कैसे हैं मेरे फूडीज? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल चेतना सास बहु कुकिंग क्लासेस। तो आइए बनाने खाने और खिलाने का सिलसिला शुरू करते हैं। गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए हम एक बड़े बोल में मैदा निकाल लेंगे। इस बोल को अब हम साइड में रख देंगे। एक छोटे बोल में आप ले लीजिए एक ग्लास पानी और इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच ड्राई ईस्ट और 1/2 चम्मच शक्कर। इन दोनों को मिक्स कर देंगे अच्छे से मिक्स करना है। और अब इसे ढक के और रख देंगे 5 मिनट के लिए। अब जो मैदा लिया था उसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स और 1/2 चम्मच ओरिगेनो। ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स का क्वांटिटी आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अब सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करना है ताकि इवनली ये सब में मिल जाए। अब जो ड्राई ईस्ट जो हमने लिया था मिक्सचर, वो हम मैदे में शिफ्ट कर देंगे और अच्छे से डो को नीट करेंगे। ज़्यादा टाइट डो नहीं लगाना है इस समय, हमें बस चिपचिपा डो तैयार करना है। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने अराउंड 300 ml पानी इसमें ऐड किया है, टोटल जो ड्राई ईस्ट और एक्स्ट्रा पानी मिला के 300 ml। अब इसे आप देख लीजिए इस कंसिस्टेंसी में। अब हम इसको प्लेटफॉर्म पे निकाल लेंगे और अच्छे से नीट करेंगे। 1 चम्मच हम ऊपर से ऑयल डालेंगे और वापस इसे नीट करेंगे। आप इस डो को जितना अच्छे से नीट करेंगे उतनी अच्छी गार्लिक ब्रेड आपकी प्रूफ होगी और अच्छे से फूलेगी। इस तरह से एक हाथ से नीचे पकड़ के और दूसरे हाथ को स्ट्रेच करें। इस तरह से आपको कम से कम 10 से 12 मिनट ये डो को नीट करना है। अच्छे से नीट कर लीजिए इसको, बहुत पटक पटक के और फैला के अच्छे से नीट करना है। ये प्रोसेस इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो ग्लूटेन होता है वो अच्छे से फॉर्म हो जाता है डो में, इसलिए नीट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो गार्लिक ब्रेड का है वो यही है। अब देखिए इसको अच्छे से, हमारा डो जो है वो चिपचिपा नहीं है, एकदम से एक साथ आ गया है। इसकी एक बड़ी सी बॉल बना के हम अच्छे से इसको नीचे टक करके और रख लेंगे। ये बॉल बन गई है, इसको हम उसी जो बॉल था उसमें शिफ्ट कर लेंगे और ऊपर और नीचे दोनों तरफ अच्छे से ऑयल लगा लेंगे। इस ऑयल लगे हुए डो को अब हम इसको अच्छे से ढक देंगे। याद रखें ये जो कपड़ा है वो थोड़ा मॉइस्ट होना चाहिए, गीला होना चाहिए। इसको 1 घंटे के लिए हम ऐसे ही रख देंगे किसी गर्म जगह पे। 1 घंटा हो गया है और डो देखिए फूल के डबल हो गया है। अब हम जो एयर है इसमें इसको पंक्चर करेंगे। इसी तरह से आपको करना है। और अब इस डो को हम वापस प्लेटफॉर्म पर निकाल लेंगे। इसको आप अपने हाथों से इस तरह से फैला लें और इसके इक्वल 4 पीस आपको करने हैं। आप वे भी कर सकते हैं अगर आपको एकदम इक्वल पोर्शंस चाहिए तो। मैंने ऐसे कर लिया है, एक पोर्शन को लेंगे और इसको अंदर इस तरह से टक करेंगे और एक बॉल बनाएंगे। ये बॉल बन गई है। इसी तरह से हम सारे जो तीनों पीस अब बचे हैं उसको भी कर लेंगे बॉल बना के और एक प्लेट में रख देंगे। इस प्लेट को पहले से ग्रीस कर लें वरना ये नीचे चिपक जाएगा। ऊपर से एक एक ड्रॉप ऑयल डालेंगे और इस पर फैला लेंगे। अब ये जो चारों बॉल्स हैं, डो बॉल्स, इनको हम वापस उसी डैम्प क्लॉथ में रखेंगे। अब इन चारों डो बॉल्स को हम किसी गर्म जगह पे रखेंगे 15 मिनट के लिए। हमने माइक्रोवेव ऑन नहीं किया है, बस 15 मिनट के लिए उसके अंदर रखा है ताकि वो गर्म रहे। अब हम बनाएंगे गार्लिक बटर। उसके लिए ले लिया है मैंने अमूल बटर, आप और कोई भी बटर ले सकते हैं। बटर के अंदर हम डालेंगे गार्लिक क्लोव्स। आप इसको क्रश करके भी डाल सकते हैं, मैं ऐसे छोटा छोटा चॉप करके डाल रही हूँ। अब इसको बटर के अंदर डाल देंगे। इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स, ओरिगेनो और आप चाहें तो थोड़ा पार्सले या धनिया भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा गार्लिक बटर रेडी है। अब जो डो बॉल्स थी उसमें से हम एक बॉल निकाल लेंगे। अच्छे से इसको वापस प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट कर दो और इसे हाथों से ऐसे फैला लो। हा,
हाथों से फैला के फिर हम इसे रोलिंग पिन से भी रोल कर सकते हैं। आप देखिए किस थिकनेस का ये रखना है, अभी मैं बताऊंगी आपको। इस थिकनेस का ये होना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं करना है। अब इस पे हाफ पे हम लगाएंगे गार्लिक बटर जो हमने रेडी किया था। गार्लिक बटर अच्छे से लगा दीजिए और मेयोनीज। अब इसमें मैंने ऊपर से मेयोनीज डाली है। और मोजरेला चीज, मोजरेला चीज की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से वेरी कर सकते हैं। उसके ऊपर से सीजनिंग जो है ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स। अब इसे बंद कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो कॉर्नर्स है वहाँ सब जगह पानी लगा देंगे और अच्छे से ऊपर वाले पार्ट को इस पर फोल्ड कर देंगे और अपने हाथों से साइड से पिंच कर लेंगे। अच्छे से पिंच करना है। अब जो हमारी जो बेकिंग ट्रे है उस पर हम नीचे थोड़ा सा ग्रीस कर देंगे उसे और इसको आराम से शिफ्ट कर देंगे इस पर। अब गार्लिक ब्रेड हमारी रेडी है। इस पर हम हल्के हल्के कट्स लगाएंगे। याद रखना है कि पूरा नीचे तक कट नहीं लगाना है, सिर्फ हल्के हल्के कट्स लगाने। अब हम गार्लिक ब्रेड को ओवन में डाल देंगे। मैं ऊपर से बटर लगाना भूल गई थी, आप ऊपर भी बटर लगा दें ताकि उसमें बहुत अच्छा कलर आए। इसको हमको रखना है 200 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए। ये गार्लिक ब्रेड अच्छे से बेक हो रही है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इस पर। ऊपर और नीचे से दोनों जगह से क्रिस्प हो जाए तब आप गार्लिक ब्रेड को बाहर निकाल लें और ये गार्लिक ब्रेड रेडी टू सर्व है। अब इसे अच्छे से कट कर लें और मेयो की डिप के साथ और केचप के साथ सर्व करें। ऊपर से बटर लगा लें और कट कर लें और लीजिए आपकी गार्लिक ब्रेड एकदम तैयार है। देखिए क्या मस्त चीज पुल आया है इसमें, लग रही है ना यम्मी। अब गार्लिक ब्रेड तो रेडी हो गई है, तो नेक्स्ट है हमारा पिज्जा पॉकेट। पिज्जा पॉकेट बनाने के लिए जो हमने डो बॉल्स रखी थी उसमें से एक डो बॉल ले लें और उसे उसी तरह फैला लें, अच्छे से फैला लें। उतना ही थिकनेस रखना है जितना हमने गार्लिक ब्रेड के लिए रखा था। और इस पे अब हम लगाएंगे पिज्ज़ा सॉस। पिज्ज़ा सॉस आप अच्छे से लगाएं चारों तरफ। मैंने आधे में ही लगाया है, आप पूरे बेस पे भी लगा सकते हैं अगर आपको पिज्ज़ा का फ्लेवर ज़्यादा चाहिए तो। फिर उस पे डालेंगे कटी हुई कैप्सिकम और अनियंस। आप और कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं जैसे कॉर्न और एलोपिनोज या ऑलिव्स। इसके ऊपर से डालेंगे मेयोनीज और मोजरेला चीज़ और ओरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स। अब उसी तरह से साइड में जो है पानी लगा के हम इसको बंद करेंगे। पूरी तरफ लगा ले पानी और अच्छे से ऊपर वाले पार्ट को खींच के बंद कर दें। अच्छे से बंद करना है वरना चीज़ बाहर आने लग जाएगी। ये देखिए जैसे मैंने अच्छे से इतना बंद नहीं कर पाई थी तो साइड में से चीज़ निकल गई है, लेकिन कोई बात नहीं। अब आप इसको शिफ्ट कर लें एक प्लेट में और इसे काट लें और ये देखिए पिज्ज़ा पॉकेट बनके रेडी है, रेडी टू सर्व। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।